किसान मंच जिला कमेटी के कार्य समिति सदस्यों की एक बैठक मंगलवार को झंडा मैदान में जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि किसान मंच के जिला कमेटी के सदस्य, विभिन्न मौजा कमेटी के अध्यक्ष, मतदाता किसानों के बीच जाकर यह अपील करेंगे कि वे वैसे उम्मीदवारों को मत देने व दिलवाने का शपथ लें जो किसान मंच के 41 दिनों तक चले अनिश्चितकालीन धरना में कम से कम 24 घंटे का समय दिए हो, अथवा जिसमें चुनाव से पूर्व अपने मौजा में कमेटी गठित करवाने का नेतृत्व क्षमता हो, ताकि लोगों को संगठित कर किसान मजदूरों के हक की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ी जा सके। किसान मंच की ओर से जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी गीता देवी ज्योति सोरेन मतदाताओं व किसानों से यह अपील करेगी कि अगर कोई प्रत्याशी संबंधित मौजा में कमेटी बनवाकर सिर्फ यह शपथ भी ले लेता है कि चुनाव के बाद जीत और हार दोनों परिस्थितियों में किसानों के हक अधिकार के लिए उसी तरह आंदोलन करेगा जिस तरह से किसान मंच के सदस्य 41 दिनों तक चले अनिश्चितकालीन धरना में आंदोलन किए थे, तो किसान इन्हें वोट नहीं देकर उस प्रत्याशी को वोट दे, ताकि किसानों का संगठन मजबूत हो और संगठन के बल पर किसान मंच आंदोलन कर किसानों को रजिस्टर 2 खतियान का नकल बिना घूस के दिलवा सके, किसानों के जमीन की जमाबंदी उनके नाम पर करवा कर रसीद निर्गत करवा सके जिससे किसान सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सके। बैठक में यह तय किया गया कि किसान मंच अपने इस अभियान की शुरुआत किसान मंच के शहीद साथी पप्पू सिंह के पंचायत जरुआडीह से करेगा, ताकि सबसे पहले स्वर्गीय पप्पू सिंह के विधवा पत्नी पंचायत समिति सदस्य की उम्मीदवार बसंती देवी को वोट देने की अपील मतदाताओं से की जा सके। बैठक में विजय सिंह, संतोष बास्के, श्यामू बास्के, भगतू पंडित, सुदन पंडित, अब्बास मियाँ, जब्बार मियाँ, छत्रधारी सिंह, गुलाम मियाँ, अवधेश कुमार सिंह सहित किसान मंच के कई सदस्य उपस्थित थे।